वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें दिया गया x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर z इज इक्वल टू z टू द पावर x एंड x इंटू z इज इक्वल टू y स्क्वायर है। तो इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट सही है वो हमें चेक करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर z इज इक्वल टू z टू द पावर x इज इक्वल टू k। सो अगर हम x, y एंड z को k के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो होगा x टू द पावर y इज इक्वल टू k और x इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय y। सिमिलरली y टू द पावर z इज इक्वल टू, अगर k होगा तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय z एंड z टू द पावर x इज इक्वल टू k है अगर, तो हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय x। अब हम क्या करते हैं कि ये जो x, y एंड z का वैल्यू है वो हम इसमें पुट करेंगे। सो x इंटू z मीन्स k टू द पावर 1 बाय y इंटू k टू द पावर 1 बाय x इज इक्वल टू y स्क्वायर मीन्स k टू द पावर 1 बाय z का स्क्वायर, और यहाँ पे बेस सेम है सो पावर ऐड हो जाएंगे। सो k टू द पावर 1 बाय y प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू होगा यहाँ पे 2n 1 बाय z मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा k टू द पावर 2 बाय z। सो अब बोथ साइड बेस सेम हो गया है सो पावर्स इक्वल होंगे और 1 बाय y प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 2 बाय z होगा। और अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले एक्स वाई तो ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे है 2 बाय z। इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा z इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy। देयरफॉर z इज इक्वल टू हो जाएगा 2xy बाय x प्लस वाई जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ए इज करेक्ट। थैंक यू।